बार फिर कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी। राहुल की अस्पताल में जान चली गई। हमलावरों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। बडगाम की घेराबंदी भी कर दी गई। गम है, गुस्सा है, लोग सड़क पर हैं, आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट पर आतंकी हमले के खिलाफ अनंतनाग में कश्मीरी पंडित ने बिना डरे विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर सरकारी कर्मचारी राहुल भट्ट को गोली मारी। दिन दहाड़े दो आतंकी चंडूरा तहसीलदार ऑफिस में घुसे और क्लर्क के तौर पर काम करने वाले राहुल पर दनादन गोलियां बरसाने लगे। किसी को कुछ समझ आता तब तक दोनों फरार हो गए। राहुल को फौरन अस्पताल ले जाया गया जहाँ उनकी मौत हो गयी। पुलिस के मुताबिक दो आतंकवादियों ने ऑफिस में घुसकर राहुल पर फायरिंग कर फरार हो गए। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राहुल भट्ट का परिवार 1990 के आतंकी दौर में कश्मीर छोड़कर चला गया था। इसके बाद राहुल को पीएम स्पेशल एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत रेवेन्यू विभाग में नौकरी मिली थी, जिसके लिए वो दोबारा 2010 में कश्मीर लौटे। उनकी पत्नी और 7 साल की बेटी भी उनके साथ बडगाम में रहते थे। राहुल के पिता को अफसोस है कि उन्होंने अपने बेटे को दोबारा कश्मीर जाने दिया। ऐसी बात हुई नहीं, क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है, आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हमने देखा मखालाल बिंद्रो साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई, और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया, क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदानी खत्म हो गया, अब क्या बोले हम, ये तो सब वही पोजिशन है। 90 में तो हम जान बचाकर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज रहे और वहाँ लाशें आती है। राहुल की हत्या की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर नाम के आतंकी संगठन ने ली है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के एलजी का कहना है कि घटना के जिम्मेदार लोग बख्शे नहीं जाएंगे। राहुल की हत्या के बाद सियासत भी गर्म है। विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा देने में नाकाम है। दिखाना चाहते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि अमन है, वो अमन नहीं है। और मुझे तो अफसोस है कि एक अच्छा नेक आदमी जो खिदमत कर रहा है लोगों की, उसको इन्होंने जो हत्या की है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही दर्दनाक मामला है और सरकार को इसकी तरफ बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी और बहुत जल्दी इसका हल निकालना पड़ेगा और उस खानदान जो है उसके साथ हम सब की हमदर्दी है और उनकी मदद की जाए। और इससे मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे वहाँ ये जो माइनॉरिटी के एम्प्लॉयज है उनकी भी, उनको भी बहुत डर लग गया होगा, खतरा लग गया होगा। मैं समझता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को फौरन जम्मू से श्रीनगर जाना चाहिए। 370 हटने के बाद से घाटी में कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। 14 अप्रैल को आतंकियों ने सतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। बडगाम से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। फिर से कश्मीरी पंडित को टारगेट किया गया है। इलाके में स्थिति तनावपूर्ण ना हो, शांतिपूर्ण माहौल बना रहे, इसके लिए क्या तैयारियां की गई?
जी नेहा, मैं आपको बता दूं, पहले एक अपडेट दे दूं कि जो पार्थिव शरीर है राहुल भट्ट का, उसको आज सुबह तड़के यहां जम्मू लाया गया, क्योंकि राहुल भट्ट का परिवार बाकी कश्मीरी पंडितों की तरह ही 1990 में कश्मीर घाटी से पलायन करके आया था और राहुल भट्ट को सरकारी नौकरी मिली थी 2010 में और उसके बाद वो मध्य कश्मीर के बडगाम जिले में गए थे और चाडूरा तहसील में वो कार्यरत थे, लेकिन जिस प्रकार से आतंकवादियों ने उनकी हत्या की है उस पर पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय भयभीत हो चुका है। इस समय कश्मीर से भी कई सरपंच पंच आए हैं कश्मीरी पंडित समुदाय कि यहां जम्मू में, अभी वहां पर जो हालात हैं उसको देखकर वो जम्मू आए हैं। यहां पर विजय रैना है, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ये सरपंच हैं, इनसे बात करते हैं। विजय रैना जी, जिस प्रकार से बार-बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या समझते हैं आप कि ये सिलसिला कब खत्म होगा? देखिए, मेरे पास आज शब्द नहीं बोलने के लिए कि ये मुझे लग रहा है कि ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा और जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता है, चुन के नाम से उसको आइडेंटिटी कार्ड चेक करके फिर मारा जाता है, ऐसे हालात हैं वहाँ और कोई भी सेफ नहीं है कश्मीरी पंडित वहाँ। जिस हिसाब से हमारा पीएम पैकेज का एम्प्लॉय या हम जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ काम करने गए हैं, वहाँ के लोगों को उस मुसीबत से निकालने गए हैं, लेकिन आप बताइए क्या हालात है वहाँ पर कश्मीर? तो हालात तो आपके सामने है, जो हम कल से जो देख रहे हैं, जो कल से सानिया हुआ है। हम यहाँ से गए सेवा के लिए गए हैं। देखिए, एक ऑफिस में जाना, उस ऑफिस के एक कमरे में जाना, चुन के उसका नाम लेके कौन है, क्या है, उसको क्या वहाँ बाकी जो 25-30 लोग ना काम करते हैं, क्या उनमें जान नहीं है, क्या इसके कोई साजिश तो नहीं है? आपको लगता है अंदरूनी साजिश है? ये तो सिंपल सी सीधी सी बात है, गवर्नमेंट सोई है, गवर्नमेंट को जगना चाहिए इस वक्त, सोई है गवर्नमेंट। मैं बार बार बोलता हूँ इनको, और जो पॉलिटिकल लीडर है वहां से जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं, और जो कुछ और भी है जो अपने आपको ये सेक्युलरिज्म का वो फोबिया या माफिया, वो इनकी गलती है, उनकी वजह से होता है। जी आप बताइए, आप भी कश्मीर में इस समय कार्यरत हैं, आप वहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं ग्रास रूट डेमोक्रेसी के, इस समय क्या हालात है वहां? बिल्कुल टारगेट किलिंग है, कश्मीरी पंडित को फिर मारा जाता है। आज पर्टिकुलर किलिंग देख लिए, 30 आदमी वहाँ लोग काम कर रहे हैं, वो कैसे उस तहसील में घुस गए, उसके बाद उसका नाम लिया गया और उसकी किलिंग करे कश्मीरी पंडित की दहशत पहले, यही 90 में हुआ था, यही 90 में एक किलिंग हुई थी, हजारों को निकालना पड़ा वहाँ पर। आज मैं कहता हूँ, मैं भाजपा की सरकार से हूँ इस वक्त, मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं काउंसलर भी हूँ, हम वहाँ सेवा करने के लिए, मगर मारने के लिए नहीं गए। हम कहते हैं इस पर प्रोब किया जाए, ये डेलिबरेट किलिंग किया। आपको लगता है कार्यालय में ही कुछ लोग हैं जो उनकी मिली भगत? बिल्कुल मिली भगत, कैसे वो घुस गए, कैसे उसने देखा वहां पर ये कश्मीरी पंडित किलिंग कर दी गई है, यही मैं कहना चाहता हूं। इस पे सिक्योरिटी लैप्स है, अगर आईजी साहब कहते हैं कि नहीं है, मैं 100% कहता हूं सिक्योरिटी लैप्स है, इसमें कोई दोहराई बात नहीं है, आप होशियार रहिए। तो नेहा, आपने देखा कि लोगों में कितना आक्रोश है और यहां पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंदर रैना भी है, इनको लोगों का आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की विफलता सामने आती है। एक तरफ से सरकार बड़े दावे करती है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों का सम्मान घाटी में वापसी होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो बचे कुचे मुट्ठी भर कश्मीरी पंडित है उनकी हत्याएं हो रही है कश्मीर में। यहां पर आप देख सकते हैं कि रविंदर रैना और कविंदर गुप्ता को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग काफी आक्रोशित हैं, लोग गुस्से में हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। कश्मीरी पंडित समाज ने एक अपना होनहार नौजवान खोया है, स्वाभाविक है लोगों में बहुत गुस्सा है। जिन परिजनों ने अपने ब्लड रिलेशन में अपने रिश्तेदार को, अपने परिवार के सदस्य को खोया है, यकीनन उनको गुस्सा है। ये पाकिस्तान के जो कायर आतंकवादियों ने घटना की है, इसके विरुद्ध पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है और इन कायर आतंकवादियों को चुन के इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले भी हमारी सेना ने, आर्मी ने, पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, कोई हो, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना हैं, इन सबको मौत के घाट उतारा है। जिन्होंने दक्षिण कश्मीर में एक कश्मीरी पंडित होनहार नौजवान श्री राहुल भट्ट साहब के ऊपर कायराना हमला करके उनकी हत्या की है, इन सब भी कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को जमीन के पाताल से निकाल निकाल कर इनको मौत के घाट उतारेंगे, किसी पाकिस्तानी को, किसी दहशतगर्द को नहीं बख्शेंगे।
किसी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर नेहा आप देख सकते हैं कि नारेबाजी हो रही है, यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ लोग काफी ज्यादा आक्रोशित है और आप यहाँ की स्थिति देखिए, लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की विफलता दिखती है जिस प्रकार से बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही है। यहाँ पर कई लोग आए हैं जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं राहुल भट्ट को, उनका अंतिम संस्कार हुआ। जी आप बताइए, जिस प्रकार से बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्याएं हो रही, क्या समझते हैं आपकी सिलसिला कैसे खत्म हो? ये टोटली गवर्नमेंट फेल है, हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही और हमारे बच्चे मर रहे। ऑफिस में घुस के जब एक बच्चे को मार दिया, इससे बड़ी हाई क्या है? ये शर्म है बीजेपी के लिए या रविंदर रैना के लिए? मैं सामने बोलता हूँ, ये शर्म है इन सब के लिए जो हमें सिक्योरिटी नहीं दे पा रही और खुद पुलिस के सामने यहाँ जम्मू में ये सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं और हमें कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप बताइए, स्वाभाविक है उनके परिजन है, श्री राहुल राहुल भट्ट साहब के परिजन है, स्वाभाविक है। सरकार से केंद्रीय गृह मंत्रालय से क्या बात है? देखिए मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है, विदाउट सिक्योरिटी मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और ये बहुत ही एक सीरियस कंसर्न है, चिंताजनक विषय है। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की है और जितना जो भी विषय इन सभी साथियों ने यहाँ उठाए हैं बहुत जेन्युइन इश्यू है, कंक्रीट यहाँ की एक पॉलिसी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बनानी पड़ी। आप देख सकते हैं यहाँ पर नेहा, लोगों के आक्रोश का सामना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करना पड़ रहा है, नारेबाजी हो रही है सरकार के खिलाफ और बीजेपी के लोगों को काफी यहाँ पर मुश्किल हो रही है क्योंकि जिस प्रकार से लोगों में इस समय आक्रोश है क्योंकि बार बार कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को कश्मीर घाटी में निशाना बनाया जा रहा है और 1990 में जिस प्रकार से समूचा कश्मीरी पंडित समाज कश्मीर से पलायन कर गया आतंकवाद के कारण, उसके बाद 2010 में जिस प्रकार से तब की सरकार ने यूपीए सरकार ने एक विशेष रोजगार योजना लाई उसके अंतर्गत कई सैकड़ों की संख्या में कश्मीरी पंडित घाटी गए लेकिन अब उनको चुन चुन कर मारा जा रहा है। बिल्कुल सुनील जी भट्ट, जाहिर तौर पर सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा और आक्रोश दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो विक्टिम है उनके पिता का क्या कुछ कहना है सुनिए। आप पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, हमारी संवेदनाएं आपके साथ है। मुझे बताइए कि जो आपके बेटे हैं वो प्रधानमंत्री का जो स्पेशल पैकेज था कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम थी, क्या उसके अंतर्गत वहाँ कार्य कर रहे थे? अंतर्गत हाँ, इसी के से 2010 में लगे थे। 2010 में और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया कि वहाँ पर माहौल काफ़ी भयानक है, थ्रेट मिल रही है? नहीं कभी नहीं, नेवर नॉट एट ऑल, कभी नहीं बोला कोई उस इलाके के लोग, कोई राइवलरी है कुछ है? कभी ना, कभी नहीं है, कभी ऐसी बात हुई नहीं है क्योंकि वो ऐसा आदमी नहीं था कि लड़ाकू टाइप हो, वो उस टाइप का नहीं था, अपने काम से काम। अभी आपको क्या लगता है आतंकवादी जिस प्रकार से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों को निशाना बना रहे हैं, हमने देखा मखालाल बिंद्रो साहब को निशाना बनाया गया, बाद में एक स्कूल में एक हिंदू समाज के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, एक सिख महिला की हत्या कर दी गई और अब आपके बेटे को भी आतंकवादियों ने निशाना बनाया, क्या लगता है आपको कि 1990 जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई? क्या बोल सकते हैं हम, हमारा घर ही खत्म हो गया, खानदानी खत्म हो गया, अब क्या बोले हम, ये तो सब वही पोजिशन है। 90 में तो हम जान बचा कर आ गए थे यहाँ, लेकिन गलती की, चलो दोबारा भेज दिया। आपको लगता है गलती की आपने, दोबारा उन्हें वहाँ? बहुत बड़ी गलती की जो हम अपने बच्चों को वहाँ भेज गए और वहाँ लाशें आती है क्योंकि वहाँ मिलिटेंसी का माहौल है, वो चुन चुन कर अब मार रहे हैं, फायदा क्या है मिलिटेंसी का, क्या बोलेंगे? मिलिटेंसी ने अब दूसरा रंग लेना स्टार्ट किया, पहले कुछ और था, अब कुछ और मिलिटेंसी बढ़ गया, क्या बोल सकते हैं। तो कभी आपके बेटे ने आपसे जिक्र किया कि उनको अपनी जान का डर लग रहा है वहाँ? कभी कभी नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं थी। तो आपको क्या लगता है आतंकवादियों ने उनको निशाना क्यों बनाया, कि महज वो इसलिए हिंदू थे इसीलिए? अब हम क्या बोल सकते हैं कि आप इसके अंदर जिसको मारा इसका मतलब टारगेट किलिंग है। अच्छा, उनके दफ्तर में कितने हिंदू समाज के लोग काम करते हैं? मुझे नहीं पता, आई डोंट। बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकी हमले में मारे गए कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट का आज जम्मू में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस मौके पर बड़ी तादाद में वहां पर लोग पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का वहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार पर लगातार उंगलियां और सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस तरीके से नृशंस हत्या राहुल भट्ट की गई है, दफ्तर में घुसकर उसे गोली मारी गई। एक बार फिर से निशाने पर कश्मीरी पंडित क्यों है, ये सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। एक दिन पहले बडगाम में आतंकी हमला हुआ था और आज जब अंतिम संस्कार के लिए
ले जाया जा रहा था राहुल भट्ट का पार्थिव शरीर, तब रवीन रैना को लेकर लोगों में जमकर गुस्सा दिखाई दिया। उस वक्त की तस्वीरें, जब रवीन रैना अंतिम संस्कार में पहुंचे, उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी, गिरफ्तारी होगी जो लोग दोषी पाए जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच वहां पर जो परिजन थे, जो दोस्त थे, जो परिवारजन थे, वो गुस्से में दिखाई दिए। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या, और परिवार की ओर से आरोप लग रहे हैं कि किसी अंदर के ही आदमी ने ये साजिश रची है।